प्रणाम सभी को। जैसे आप लोग जानते ही हैं और जो नए पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम आकाश है और मैं फिर आ गया हूँ आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके। और बहुत खुश भी हूँ मैं आज, क्योंकि आप लोग इतना प्यार जो दे रहे हैं, आप लोग इतना इंगेज कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से आप लोग हमें पढ़ा रहे हैं। और हमारे अभियान में, जो हमारा अभियान है, जो हमारा एक विज़न है कि हम लोग दुकानदारों की, फेरी वालों की, या फिर जो घर से बिजनेस करते हैं उन लोगों की, जो हमारा हेल्प करने का, उनको बड़ा बनाने का, उनको एक रिस्पेक्टिव बनाने का जो मिशन है, उसके आप लोग हमारा उसमें साथ दे रहे हैं और उसमें आप लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो जिस लेवल पे हो सके उस लेवल पर सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कोई पहली बार आया है तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो विजन के साथ काम कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से को विजन के लिए हमें ज्वाइन करें। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो मेरे नज़रों में फिलहाल ही आया है, आने वाले कुछ एक महीने में आया है मेरे नज़रों पे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था ये मेरे अकॉर्डिंग। मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसा भी होता होगा, लेकिन ये चीज़ें हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये बातें शेयर की जाए, क्योंकि दिल में रखने से अच्छा है शेयर कर दिया जाए, राइट। तो फिर इसीलिए अपने आ गए यहाँ पे और आज बताते हैं आपको क्या टॉपिक है। तो देखो, टॉपिक आप लोगों को पता ही है, मैं एक दुकानदार के रिलेटेड या फिर कोई रिटेल शॉप वाला है उसके रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। और हम लोग विजन के साथ काम भी कर रहे हैं, व्यापार का मैं फाउंडर भी हूँ, व्यापार हम के साथ हम लोग हेल्प कर रहे हैं। व्यापार जो है एक B2B प्लेटफॉर्म है जो कि दुकानदार की हेल्प करती है। वहाँ पे सारे दुकानदारों को एक जगह सारी फैक्ट्रियाँ मिल जाती हैं जहाँ से वो अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, ठीक है। इसको बाद में बात करते हैं, फिलहाल तो ये बात करते हैं कि अपने कि किस वजह से मैं आया हूँ। देखो, मैं यहाँ पर आया हूँ, सिंपल सा रीज़न है कि मैंने देखा कि बहुत सारे दुकानदार हैं। तो वो क्या हो रहा है कि दुकानदार, जैसे फॉर एग्जांपल रूरल में, राइट, यूपी, एमपी या फिर बिहार में या फिर दूसरे किसी छोटे शहर में जो होता है, वो लोग वहाँ के जो दुकानदार हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं मीशो वगैरह से, राइट। मीशो वगैरह प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वहाँ से उसके बाद वो अपना सेलिंग करते हैं। तो क्या ये तरीका सही है? देखो, मीशो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं, मीशो या फ्लिपकार्ट ये सब है क्या? ये सब देखो B2C है, बिजनेस टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर, राइट, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आप एक दुकानदार हो, बिजनेस कौन हुआ? बिजनेस हुआ फ्लिपकार्ट या फिर मीशो। कंज्यूमर मतलब जो वो चीज़ कंज्यूम कर रहा है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, अगर मैंने कोई टी शर्ट खरीदा अपने लिए पहनने के लिए, तो मैं कंज्यूमर हुआ। लेकिन अगर कोई टी शर्ट मैं खरीदा बेचने के लिए, तो मैं बिजनेस हुआ मेरा, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो मीशो हो गया या दूसरे प्लेटफॉर्म, ये सब B2C है। यहाँ पे आप एक सिंगल पीस खरीद सकते हो, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो दुकानदार भाई हैं मेरे, वो भी यहाँ से खरीद रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, क्यों खरीद रहे हैं, मैं समझता हूँ वो चीज़ें, मुझे पता है वो चीज़ें, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है नहीं, दुकान कैसे प्रोडक्ट मिलने का कोई जरिया है नहीं, छोटी दुकान है, यहाँ वहाँ जा नहीं सकते, तो उस वजह से वो लोग वहाँ मजबूरी होती है खरीदना। लेकिन वो अपने कस्टमर को, अगर आप खरीद रहे हो तो अपने कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, रिपीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रेट आप दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका क्या सही है क्या गलत है? देखो, ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। मुझे मुझे बिल्कुल पता है कि आपके पास इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि B2C B2B का क्या होता है मतलब। तो मैं उसी लिए आया हूँ आपको समझाने कि B2C से आपको नहीं परचेज करना है, क्योंकि B2C में आपको रेट नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने पहले समझाया कि बिजनेस टू कंज्यूमर आपको B2B से खरीदना है, सेम सिस्टम रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पे आपको रिटेल प्राइस मिल रही है और वहाँ पे B2B में आपको होलसेल प्राइस मिलेगा। जैसे व्यापार की बात करूँ, तो व्यापार एक F2B प्लेटफॉर्म है। F2B मतलब होता है फैक्ट्री टू बिजनेस, ये B2B से भी ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोवाइड होता है दुकानदारों को, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से होता है, ना तो कोई होलसेलर होता है, ना तो कोई ट्रेडर होता है, ना तो कोई एजेंट होता है, ठीक है। तो हम जो है ना, जो मैं ये देखता हूँ ना कि मतलब एक दुकानदार मीशो से खरीद रहा है, तो मुझे जेन्युइनली बहुत दुख होता है। रीज़न इसका ये है कि एक अलग सा कनेक्शन रहा है मेरा हमेशा दुकानदारों के साथ, हमेशा से, राइट। इसीलिए शायद हम एक अभियान के साथ हम व्यापार लेके आए उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पहुँच नहीं पा रहे हैं जो कि उन लोगों, जैसे हमारे पास अभी भी 1 लाख दुकानदार हमारे पास हैं, 1 लाख से ज़्यादा दुकानदार हमारे पास हैं आज की डेट में जो व्यापार प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन देश बहुत बड़ा है,
ठीक है, बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, राइट। तो 140 करोड़ लोगों का देश है तो हमको बहुत जगह पहुंचना है, एक छोटे से छोटे गांव में पहुंचना है, हमें यूपी के छोटे गांव में पहुंचना है, हमें बिहार के छोटे गांव में पहुंचना है। अगर हम पहुंच पाएंगे तो वो जो मजबूर है मीशो से और फ्लिपकार्ट से खरीदने के लिए, शायद वो मजबूरी ना रहे। यही मजबूरी की वजह से हमने व्यापार की शुरुआत की थी कि लोगों को कभी फ्रॉड हो जाना, कभी ये सारी चीज़ें करना, कभी कई किलोमीटर तक जाना प्रोडक्ट लेने के लिए, कभी किसी सिटी जाना, कभी किसी सिटी जाना। इसीलिए हमने व्यापार की शुरुआत की कि हम अपने दुकानदार भाइयों को, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, या गांव के किसी भी कोने में हो, हम प्रोवाइड कराएंगे प्रोडक्ट, वो भी सीधा फैक्ट्री से, बिना किसी एजेंट, बिना किसी, या बिना किसी होलसेलर के। ये हमारा विजन था, इसी के साथ हम जुड़े हुए, आज भी हम काम कर रहे हैं। गर्व से मैं बोल सकता हूँ हमारे पास 1 लाख दुकानदार हैं। तो अगर कोई भी भाई मेरा वीडियो देख रहा हो जो शायद दुकानदार हो, तो प्लीज़ जाके व्यापार एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एक बार चेक जरूर करें, राइट। एक बार चेक करें, प्राइस देखें, सब कुछ देखें। अगर कोई ऐसा है जिनकी शॉप नहीं है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस अभियान में आप हमारा सपोर्ट करें, ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास एक दुकान है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी शेयर उनकी बहुत हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उनकी। क्योंकि एक दुकानदार कितने प्रॉब्लम फेस करता है हमारे और आपके लिए, हम और आप शायद वो चीज़ फील नहीं कर सकते, राइट, नहीं फील कर सकते, क्योंकि हमें क्या पड़ी है। तो ये टाइम है दुकानदारों को रिस्पेक्ट देने के लिए, और रिस्पेक्ट कैसे होगा, ये वीडियो आप एक दुकानदार के साथ शेयर करें अगर आप दुकानदार नहीं हैं तो, राइट। तो अभी जो ये मैं बात कर रहा था, फिर से लौटते अपने टॉपिक पे, कि जो अभी मैं बात कर रहा था मीशो वाले पर, या फिर किसी, देखो मीशो फ्लिपकार्ट ये सब पे आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूमर के लिए है, ये जो कस्टमर आपके यहाँ खरीदते हैं वही कस्टमर के लिए वो प्लेटफॉर्म है, और आपके प्लेटफॉर्म के, आपके लिए हमने बनाया है B2B का एप्लीकेशन, व्यापार का, जहाँ से आप अच्छे से सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं होता। जो ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इसमें आपको कोई एडवांस पेमेंट भी नहीं देना होता, आपका प्रोडक्ट आपके सीधा दुकान पे मिलता है, कोई आपको रिटर्न का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कहीं लेने नहीं जाना, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो ये जो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा B2B B2C मतलब, तो ये रहा B2C और B2B का जो मेन हमारा उद्देश्य था, ये बताना कि आप जो मीशो या जो खरीद रहे हैं वो आप सही तरीका नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी होगी वो चीज़, लेकिन तरीका सही नहीं। तो अगर आप भी हैं वो उस उनमें से एक हैं कि आप भी ये सारे प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं जो B2C के हैं, जैसे मीशो और ये, और आप देख दुकानदार हैं, तो अभी जाके व्यापार एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, क्योंकि आपकी सही जगह यहाँ है, वो आपके कस्टमर के लिए है, राइट। वहाँ आप खरीद रहे हो तो आप महंगा ही बेचोगे और ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वही चीज़ अगर मीशो पर मिल रही है लेट्स से 100 रुपये की, और आप अपने कस्टमर का 150 रुपये का बेच रहे हो, तो आपका कस्टमर जो आ रहा है ना वहीं से खरीदेगा। लेकिन जो मीशो पर 100 रुपये की मिल रही है, अगर वो आपको 70 रुपये की मिलेगी, तब आप मीशो के प्राइस पर आराम से बेच सकते हो, आराम से बेच सकते हो। तो मिलेगा कैसे? वो मिलेगा किसी भी B2B एप्लीकेशन पे, किसी भी B2B, ऐसा मैं व्यापार की बात नहीं कर रहा हूँ, और एक दो एप्लीकेशन है B2B के, वहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि बहुत सस्ता मिलेगा वहाँ से, राइट। जो आप मीशो वगैरह से खरीदते हो वहाँ से बहुत सस्ता मिलेगा। तो या तो दूसरे किसी B2B आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने दुकान को सही तरीके से ग्रो करो, क्योंकि हमारा यहाँ मकसद आपको ग्रो कराना है। आप व्यापार से ही खरीदें जरूरी नहीं, आप कहीं से भी खरीदें, B2B एक दो और है वहाँ से भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्योंकि व्यापार हमारा है और हम व्यापार का एक विजन है, इसलिए मैं व्यापार के बारे में बता रहा हूँ कि व्यापार भी एक B2B है। तो आप यहाँ पे आके एक बार इंस्टॉल करके चेक करो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे जाए इंस्टॉल करने से आपका कुछ हो जाएगा। इंस्टॉल करो, चेक करो, प्रोडक्ट देखो, सब कुछ करो, उसके बाद अच्छा लगे ऑर्डर करो, राइट। हम तो 1 लाख दुकानदार को सर्व कर ही रहे हैं, और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम, मतलब हमारा विजन बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि सारे दुकानदारों के पास हम कैसे पहुँचे, कितना हम हेल्प कर पाए, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, प्यार से प्रणाम सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।